वायरल आंटी वीडियो, इसके बारे में जानते हैं आप? एक लेडी, एक आंटी गुड़गांव में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बाहर एक लड़की से कमेंट में बोलती है, कमेंट करती है, एक लड़की को कमेंट करती है, बोलती है, ताना मारती है कि तुमने छोटे कपड़े पहने हुए हैं, इसका कोई भी आके इसका रेप कर लो. She said that she is provoking rape. That young girl, the girl who was wearing short clothes is provoking rape. Answer me one thing to all the gentlemen and to all the ladies out there, those who are watching this video, please answer me one thing. कि लड़कियों के छोटे कपड़े पहन लेने से रेप प्रोवोक होता है क्या? बताओ आप मुझे, कमेंट करो, बताओ. मेरा जो मानना है वो ये मानना है कि लड़कियों के छोटे कपड़े पहनने से रेप प्रोवोक नहीं होता है. इक्वालिटी नाम की चीज जानते होंगे आप. अगर हम लड़के शॉर्ट्स में घूम सकते हैं तो लड़कियों का पूरा हक है शॉर्ट्स में घूमने का. अगर हम लड़के रात के 2 बजे बाहर जा सकते हैं तो लड़कियों का भी पूरा हक है माई फ्रेंड कि वो रात के 2 बजे जा सकती हैं. इक्वालिटी. और रेप जो मैं बात कर रहा हूं, रेप यहां पे है लड़कों की. क्या जो बच्चियां 6 महीने की होती हैं, 1 साल की होती हैं, 2 साल की होती हैं, उनका रेप नहीं होता? जो बुरखे में औरत होती है, क्या उनका रेप नहीं होता? रेप, गंदी सोच, नेगेटिव फीलिंग्स इज ऑल हियर, हमारे दिमाग में है, ना कि लड़कियों के छोटे कपड़े पहनने से रेप होता है. हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने माइंड को कितना कंट्रोल रखते हैं. और अगर हम मेल जात अगर हम प्रोवोक हो रहे हैं लड़कियों की तरफ, उनके टांगे देखें या फिर उनके अट्रैक्टिव बॉडी देख के, तो इसमें हमारी प्रॉब्लम है कि हम अट्रैक्ट हो रहे हैं. उनका पूरा हक बनता है कि वो कुछ भी पहने, वो कैसे भी जाएं, वो रात के 2 बजे निकलें, कभी भी जाएं, वो कैसे भी नाचें, कुछ भी करें, गाना बजाएं, कुछ भी करें. यू हैव द फुल राइट ऑल द लेडीज आउट देयर. वन मैसेज टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम मी, फ्रॉम सौरभ सिंह. ऑल द लेडीज, जस्ट वन मैसेज, वेयर वट एवर यू वॉन्ट टू वेयर, whatever, you have the full right to wear, full right to speech, full right to do everything that you want to do, my friend, everything. And जो हुआ है वीडियो में, जो बोला है, जो वायरल हुई है वीडियो, जो आंटी ने बोला उस लड़की को, अब लड़कियों के दोस्त ने, लड़की की मॉम ने और खुद लड़की ने पूरी वीडियो बनाई. They were saying, लड़की ने बोला कि please apologize me, otherwise I'll call police. उस लेडी ने apologize नहीं किया. ये वीडियो वायरल हुई. और जो मेरा टेकअप है, मेरा रिएक्शन ये है कि बहुत अच्छा हुआ है कि वायरल हो गई, बहुत अच्छा हुआ. आई एम सो थैंकफुल टू ऑल द गर्ल्स आउट देयर जिसने वीडियो बनाई थी, सो मच थैंक यू. पता है क्यों अच्छा हुआ है? जस्ट बिकॉज कि अब आगे से कोई भी लड़का, कोई भी लड़की, कोई भी औरत टॉन्ट मारने से पहले 10 बार दिमाग में सोचेगी कि कहीं मैं वायरल ना हो जाऊं. लास्टली आई जस्ट वांट टू से दैट ये दुनिया बदल रही है, हमारा यूथ बदल रहा है, मैं बदल रहा हूँ, हम सब बदल रहे हैं. पुरानी जनरेशन जा रही है और हमारी जनरेशन ये कहती है आप सब लड़कियों से कि आप कुछ भी पहनो, आपको जैसे रहना है आप वैसे रहो, हम आपके साथ हैं, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी केयर करेंगे हमेशा, और जिसने भी आँखें उठा के देखी उसकी आँखें फोड़ देंगे. इट्स अ प्रोमिस. सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो. And I'm your friend, your host, your confidant. I love you so much. My name is Saurav Singh. Keep soaring in life. I love you.